My name is Riazullah Khan. I came from Pakistan along with my Mama Ji. We call him Mama Ji. He's been suffering from ALS. I don't know the abbreviation actually, but ALS is a disease which he has been paralysis. Wo पैरालाइज्ड हो चुके हैं उससे. पाकिस्तान में हमने बहुत ट्राई किया, डॉक्टर्स के पास गए, शिफा इंटरनेशनल में, आपको नाम बता सकता हूँ, शिफा इंटरनेशनल, आरएमआई हम गए थे. उधर एक्चुअली डॉक्टर्स बता रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा इलाज नहीं है इसका. फिर हम शिफा इंटरनेशनल में एक डॉक्टर साहब हमसे मिले, डॉक्टर इमरान. उसने हमें बताया कि इसका जो इलाज है तो वो पॉसिबल है यूरोप में और चाइना में. तो यूरोप और चाइना के वो ट्रीटमेंट जो थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे. मैं बताऊं कि उन्होंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा अबाउट 60,000 यूएस डॉलर्स. फिर चाइना का भी हमने पूछा तो चाइना भी इस तरह था कि अबाउट 60,000 यूएस डॉलर्स का उसमें खर्चा आना था. लेकिन वो कह रहे थे कि उसका वो गारंटीड नहीं है, ट्रीटमेंट गारंटीड नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं. तो फिर हम कोशिश करते करते फिर एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप इंडिया ट्राई करें. तो इंडिया में हमने काफ़ी हॉस्पिटल्स वो सर्च करने शुरू किए. फिर एडवांस सेल्स से हमने कांटेक्ट किया और आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय एप्रिसिएशंस टू एडवांस सेल्स कि उन्होंने हमें काफ़ी क्विक रिस्पांस दिया और पोलाइट रिस्पांस दिया. जो भी हमने पूछा उनसे तो काफ़ी ऑन टाइम हमें रिस्पांस मिला. उसके बाद हमारी जो कन्वर्सेशन शुरू हुई तो हमने एडवांस सेल्स को अपने रिपोर्ट्स भेजी. रिपोर्ट्स वो देख के फिर उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि यहाँ पे स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं. तो हमने भी काफ़ी वो स्टेम सेल्स के बारे में फिर सर्च करना शुरू किया, इंटरनेट से हेल्प ली, डॉक्टर्स से पूछा उधर. तो उन्होंने कहा कि स्टेम सेल्स वाकई ये ट्रीटमेंट है और काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है, तो यू शुड गो फॉर इट, आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए. फिर हमने डिसीजन ले लिया कि हम इंडिया जाएंगे और ये स्टेम सेल्स थेरेपी हम ले लेंगे. यहाँ आए तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री आई वुड से. हमें यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है. स्पेशली मेरे जो दोस्त गाइड्स हैं, जो मुझे गाइड मिले थे, सुमित और प्रमोद प्रेम भाई, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है. मैं बहुत खुश हूँ. मेरे साथ आंटी हैं, मेरे मामा जी हैं, तो ये काफ़ी खुश हैं यहाँ आके. दो हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिला, हमें जाना भी चाहिए था बाहर, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए आए थे तो ट्रीटमेंट सही तरीके से हो गई. आज हम फिजियोथेरेपी ले रहे हैं और इसके बाद हम रवाना हो जाएंगे अपने घर. सुबह हम पहुँचेंगे. ट्रीटमेंट अंदर जो आईसीयू वगैरह उसमें हुआ वो तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं आज तक ट्रीटमेंट से खुश हूँ कि जितना भी हुआ मैं हमारे सामने हुआ. जो इनको इंजेक्शन लगे, जो इनको ड्रिप वगैरह लगे हैं, तो उसे तो मैं वो खुश हूँ उस ट्रीटमेंट से. हम थेरेपी ले रहे हैं तो कुछ मुझे बेहतरी नज़र आ रही है.
क्योंकि मैंने सुना है, जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है, तो वो तो ये है कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना काम शुरू करेगा ना। तो ये हमारे तो तकरीबन ट्रीटमेंट लिए हुए तीन चार दिन हो गए, तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि कितना वो हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। इसका सक्सेस हम तब बता सकते हैं जब इसके ये स्टेम सेल्स पूरे जिस्म में गर्दश कर जाएंगे। वो जाहिर है हम पाकिस्तान में होंगे तो एक्सरसाइज इनको करवाएंगे, हमें जो पूरा वो प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपने एक्सरसाइज करवाना है, कैसे आपने मेडिकेशन लेनी है, तो वो सब कुछ हम उधर भी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जो यहाँ पे हो रहा है। हमने देखा है जो थेरेपी हो रही है, फिजियोथेरेपी हो रही है, उसे मैं मुतमईन हूँ, मतलब मैं खुश हूँ उस तरीके से। और बाकी तो हमें बाद में पता चलेगा, एक डेढ़ माह दो माह इतने में हमें पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब तक जो इम्प्रूवमेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो बोलने की कोशिश एटलीस्ट करता है। पहले तो ये कोशिश भी इन्होंने छोड़ दी थी, कोशिश भी नहीं कर रहा था, तो अब बोलने की कोशिश करता है। कोई मुझे कागज़ पे वो बता देता है कि ये वर्ड लिखो, ये कैरेक्टर बता देते हैं ना, या इंग्लिश में या उर्दू में, तो वो कैरेक्टर्स एक एक में करके लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर उससे एक वर्ड बन जाता है और फिर हम ऐसे समझने लगते हैं इनकी बात। तो एटलीस्ट ये मुझे इम्प्रूवमेंट लगी है। मैं यहाँ के ट्रीटमेंट, यहाँ के जो इन्होंने हमें डील किया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। इवन मैं ये कहूँगा कि इंडिया आते हुए काफ़ी हमें रिस्पेक्ट मिली है। हॉस्पिटल में तो बहुत केयर मिली है हमें। जब भी आते हैं तो हमें ये नहीं कहा गया कि आप या वापस चले जाएं या आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये बस एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ट्रीट किया गया है यहाँ पे। अगर हमें कोई किसी जगह का नहीं पता तो स्टाफ वालों ने, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। डॉक्टर से हमने अगर कुछ पूछा है तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। फिजियोथेरेपी में तो काफ़ी हमें सपोर्ट मिली है, क्योंकि वो तो रोज़ ही हम आते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो उससे तो काफ़ी सपोर्ट मिली है हमें। काफ़ी फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, केयरिंग माहौल है। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो आई वुड लाइक टू कम इंडिया। मैं तो कंसिडर इसलिए करूँगा क्योंकि स्टेम सेल्स का जो ये तरीका इलाज है, ये काफ़ी एडवांस्ड है। मैं बताऊं कि डॉक्टर इमरान, एक डॉक्टर मैं पाकिस्तान उनसे मिला, तो वो वीज़ा के लिए मैं रेफर चेक ले रहा था, वो स्लिप ले रहा था कि आप हमें रेफ़र करें, क्योंकि वो एम्बेसी वाले पूछते हैं ना कि यार आप पाकिस्तान में क्यों नहीं करते ट्रीटमेंट। तो हमने ये बताना था कि ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में कहीं भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए हम इंडिया जा रहे हैं। तो उस डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार ये ट्रीटमेंट तो काफ़ी एडवांस्ड है, बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं। तो बाकी पेशेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। गारंटी तो किसी मेडिसिन की भी नहीं होती। मैं अगर कोई मेडिसिन लेता हूँ, सर दर्द के लिए मैं मेडिसिन लेता हूँ, तो उसकी गारंटी नहीं होती कि ये इससे मेरा सर दर्द ठीक होगा या नहीं होगा, ये मुझे मालूम है।
अगर किसी डेस्प्रीन या पेनाडोल या पैरासिटामोल, उससे अगर मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता तो मैं कोई और दवाई ट्राई करता हूँ ना, तो गारंटी तो किसी ट्रीटमेंट या किसी इलाज में भी नहीं है। कोई बोन मैरो की वो सर्जरी करवा लेता है, कोई ट्यूमर की सर्जरी करवा लेता है, तो गारंटी तो उसकी भी नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा, वो मसला दोबारा आ भी सकता है। तो स्टेम सेल्स का मैं बाकी पेशेंट्स को यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम एक ट्राई तो कर सकते हैं, बंदा अपने आखिरी सांस तक लड़ रहा है ना, तो ऐसे तो पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। तो स्टेम सेल्स काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है, तो बाकी पेशेंट्स को लेना चाहिए। आई वुड से